वेलकम टू जीके वर्ल्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और हम बात करेंगे इस वीडियो में स्टेट लेवल के करंट अफेयर की। आपको पता होना चाहिए कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में स्टेट लेवल के करंट अफेयर बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। देखिए, हम रेगुलर आपको करंट अफेयर के सभी पोर्शन जो है प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो भाई इसमें क्या है, 2020 के अब तक के जो स्टेट लेवल के करंट अफेयर है, यानी जो 28 राज्य हैं भारत के, उनमें क्या क्या स्पेशल एक्टिविटीज़ हुई और उनसे संबंधित सभी करंट अफेयर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पुलिस परीक्षा देने जा रहे हैं, लेखपाल भर्ती देने जा रहे हैं, या फिर रेलवे की एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर अदर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई पूरी कोशिश करिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और सभी करंट अफेयर को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ निचोड़ आपको मिल जाएगा, क्योंकि सभी सिलेक्टेड जो है अब तक के 2020 के सभी करंट अफेयर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो का पहला ही क्वेश्चन क्या बोला है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य के आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई की जाएगी और ऐसा करने वाला ये प्रथम भारतीय राज्य है। तो देखिए, अगर आपको आभासी अदालतें अगर नहीं पता है तो हम आपको बता दें, ये जो ऑनलाइन जो अदालतों को किया जा रहा है, ये क्रेज बनता जा रहा है कि मतलब अभिवक्ता हैं या फिर जो लोग इधर उधर से पहुँच नहीं पाते, देर हो जाती उनको, तो भाई ये इसका जो है क्रेज तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आभासी अदालतें तेज़ी से क्या हो रही है हमारे देश के अंदर विकसित हो रही है। आप ये सोच सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस जैसे हमारी चलती हैं, तो ये ऑनलाइन अदालतें हो रही हैं, जैसे कि क्या होगा कि काफ़ी टाइम भी बचेगा और लोगों जो पहुंच नहीं पाते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी टाइम बचेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो स्टार्ट करी जा रही है आभासी अदालतें, तो भाई आभासी अदालतों में जो है सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई की जाएगी और ऐसा करने वाला जो है प्रथम भारतीय राज्य कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, आपके ऑप्शंस में है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो भाई आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए जो है सुनवाई की जाएगी और ऐसा करने वाला ये जो प्रथम भारतीय राज्य है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, तो आपको याद रखना है कि ये करेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई की जाएगी और ऐसा करने वाला ये भारत का प्रथम राज्य है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सोहराई खोवर पेंटिंग किस भारतीय राज्य की एक विशेष कलाकृति है, जिसे हाल ही में भौगोलिक टैग यानी GI टैग प्रदान किया गया है। तो भाई ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, मोस्टली ट्रेंड में होते हैं। अभी आप लोग एग्ज़ाम जैसे स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों के, तो आपको ये सब करंट अफेयर क्वेश्चन जब देखने को मिलेंगे तब आप बोलोगे कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। तो भाई क्या है सोहराई खोवर पेंटिंग, क्या है सोहराई खोवर पेंटिंग किस भारतीय राज्य की एक विशेष कलाकृति है, जिसे हाल ही में भौगोलिक टैग प्रदान किया गया है। तो भाई देखिए, भौगोलिक टैग क्या होता है कि ये किसी स्थान की स्पेशलिस्ट होती है, यानी किसी एक स्थान पर इसका जो है अच्छा वर्क है और ये वहीं पर इसका अच्छा वर्क किया जा सकता है, अदर कहीं पर और इसका वर्क इतना अच्छा नहीं होता है, तो इस कारण इसको भौगोलिक टैग दे दिया जाता है, ताकि यहीं मतलब इस जगह की ये स्पेशल चीज़ें हैं। ठीक है, तो भाई सोहराई खोवर पेंटिंग जो है ये आपकी झारखंड की है, ठीक है, और इसको हाल ही में क्या दिया है भौगोलिक टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भाई देखिए, ये नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, खोंग जोम दिवस जो कि वीर सैनिकों की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये किस भारतीय राज्य का जो है प्रमुख पर्व है। तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट हमसे बोल रहे थे कि सर जो अभी हाल में उत्सव हो रहे हैं उनका जो एक वीडियो बना दें, तो भाई इस वीडियो में आपको वो सब भी कवर हो जाएगा, क्योंकि हमने ये सभी जो है क्वेश्चन ये वाले ले लिए हैं। ठीक है, तो भाई फिर देखिए, खोग जोम दिवस जो कि वीर सैनिकों की स्मृति में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो पूछा क्या जा रहा है कि ये किस भारतीय राज्य का प्रमुख पर्व है। तो भाई देखिए, ये आपका है मणिपुर का प्रमुख पर्व, ठीक है, वीर सैनिकों की स्मृति में मनाया जाता है खोंग जोम दिवस, और ये मणिपुर का जो है एक प्रमुख पर्व है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस भारतीय राज्य में बढ़ती अशांति के मद्देनज़र उस पूरे राज्य को क्या कर दिया है, अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाई
केंद्र सरकार ने किया है भाई, बढ़ती अशांति यानी कई तरह की एक्टिविटी है जो राज्य में जो है क्या है अशांति पैदा कर रही है, जिस कारण क्या क्या है केंद्र सरकार ने इसे अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है दिसंबर तक। ठीक है, याद रखिएगा दिसंबर तक, दिसंबर 2020 तक इसे अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है और ये आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर बात की जा रही है नागालैंड की। ठीक है, नागालैंड में बढ़ती अशांति के कारण केंद्र सरकार ने इसे जो क्या किया है अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है दिसंबर 2020 तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वह कौन सा भारतीय राज्य है जो प्रदेश के सभी नागरिकों को 100% LPG कनेक्शन देने वाला प्रथम भारतीय राज्य बन गया है। तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 100% इन्होंने क्या कर लिया है LPG कनेक्शन दे दिया है अपने राज्य में और ऐसा करने वाला ये प्रथम भारतीय राज्य भी बन गया है। तो आपके ऑप्शंस है उड़ीसा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर मेघालय। तो हम आपको बता दें 100% LPG कनेक्शन देने वाला प्रथम भारतीय राज्य बना है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस भारतीय राज्य में संचारी रोगों को राज्य से पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए मिशन इंद्रधनुष 2.0 शुरू किया गया है। तो देखिए भाई मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो ये आपको एक क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा। तो क्या है संचारी रोग को मतलब ढूंढने, पकड़ने और उसे खत्म करने, यानी लोगों को जागरूक करने संचारी रोग के प्रति, उन्हें मेडिसिन देने ताकि ये जो रोग है संचारी रोग पूरे जो है राज्य से खत्म हो जाए। और इसके लिए इन्होंने सेकेंड बार ये जो है मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट किया, इससे पहले भी जो है मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट हुआ था लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं हो पाया था। तो अपनी पूरी सक्सेस लेने के लिए इन्होंने 2.0 यानी सेकंड बार भी इस मिशन को स्टार्ट किया है। तो भाई ऐसा किस राज्य ने किया है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई देखिए मिशन इंद्रधनुष बहुत ही बड़ा जो है यह मिशन है और यह है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, क्या है बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक जिसको हम लोग बोलते हैं फगली उत्सव, प्रत्येक वर्ष जो है किस राज्य में अत्यधिक उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फगली उत्सव जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो भाई बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है फगली उत्सव और ये जो है ये हिमाचल प्रदेश का प्रमुख उत्सव माना जाता है। देखिए भाई रेगुलर हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन की, तो पूरी कोशिश करा करिए अच्छे रिस्पांस की, अच्छे से आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ कमी रह गई हो तो मुझे बता सकते हैं। आपकी कोई भी अगर ऐसी राय है तो आप हमको बताना चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। आपको कोई भी ऐसे टॉपिक की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी जो है पूरी जो है मांग स्वीकार करते हैं, आप लोग बस मुझे कमेंट करके बताया करिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला जो है हाल ही में प्रथम भारतीय राज्य बना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई क्या कर दिया गया है जो स्पोर्ट्स हैं इनको उद्योग यानी इंडस्ट्रीज में शामिल करने की बात करी है और ये ऐसा करने वाला जो है प्रथम भारतीय राज्य बना है। तो भाई आपके ऑप्शन है मिजोरम, सिक्किम, हरियाणा और पंजाब। वैसे तो खेलों में बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय कार्य करता है आपका हरियाणा लेकिन इसने ऐसा नहीं किया है, बहुत सारे ऑप्शन नंबर सी लगा के चले आएंगे बच्चे क्योंकि थोड़ा सा दिमाग में रहता है ना कि भाई खेल है तो हरियाणा संबंधित होगा लेकिन ऐसा नहीं है। तो भाई खेलों को उद्योग का जो है दर्जा प्रदान करने वाला प्रथम भारतीय राज्य जो है वो है आपका मिजोरम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गर्भवती स्त्रियों के पोषण के देखरेख हेतु किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने मातृ पुष्टि योजना यानी मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना शुरू की है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गर्भवती स्त्रियों के पोषण और देखरेख के लिए स्टार्ट किया गया है, क्या है इस पूरी योजना का नाम मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना और ये किस भारतीय राज्य की है ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन में मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो भाई देखिए ये आपकी जो
योजना है ये है त्रिपुरा की, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में सुर्खियों में रही आर श्रीलेखा किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक है, यानी इस राज्य में अब तक कोई भी महिला जो है पुलिस महानिदेशक नहीं रही है, फर्स्ट टाइम बनी तो इसलिए सुर्खियों में रही और ये प्रश्न आपको शॉर्टी एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। तो भाई इनका नाम फिर से देख लीजिए, क्या नाम है, आर श्रीलेखा किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक बनी है जिस कारण ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही। आपके ऑप्शंस में है केरल, तमिलनाडु, झारखंड और गुजरात। तो भाई आर श्रीलेखा जो है ये केरल की महिला पुलिस महानिदेशक बनी है और ये फर्स्ट वुमेन है जो कि केरल में पुलिस महानिदेशक बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नैम्फियो रियो किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा हाल ही में राज्य में येलो चैन नामक ई कॉमर्स प्रणाली शुरू की गई है। तो भाई ये जो है उत्पाद जो होते हैं राज्यों के उनको भाई जोड़ना है, मतलब लोगों तक पहुंचाना है, इस कारण ये येलो चैन नामक एक जो है ई कॉमर्स प्रणाली इन्होंने शुरू करी है, ठीक है। तो भाई नैम्फियो रियो अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है ये नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और इन्होंने ही जो है येलो चैन नामक एक ई कॉमर्स प्रणाली शुरू की है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि हिंदू पंचांग के अनुसार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्या बोल रहे हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार उगाड़ी उत्सव जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो भाई उगाड़ी उत्सव की बात की जा रही है और यह बात रखिए कई राज्यों में मनाया जाता है लेकिन ये प्रमुख उत्सव किन राज्यों का है ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन देखिए चार लिखे हुए हैं, एक है आपका आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, फिर एक आपका है तमिलनाडु एवं कर्नाटका, फिर आपका है गुजरात एवं महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। तो भाई हम आपको बता दें कि उगाड़ी जो उत्सव है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक प्रमुख उत्सव माना जाता है जो नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, हिंदू पंचांग के अनुसार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 500 लोगों को प्रतिदिन भोजन परोसने के लिए हाल ही में किस भारतीय राज्य में मोदी किचन की स्थापना की गई है। तो भाई देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 500 लोगों को प्रतिदिन भोजन परोसने की इसकी क्षमता है और जो है मोदी किचन इसका नाम है, तो भाई कहाँ पर स्टार्ट की गई है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक ऐसे ही उत्तर प्रदेश ने जियो टैग वाला जो स्टार्ट किया गूगल के साथ, ये उसी तरह की एक जो है किचन परियोजना है जिसका नाम रखा इन्होंने क्या है मोदी किचन, और जो है ये किस भारतीय राज्य का है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कोरोना से देख रेख, ठीक है थोड़ा सा मिस्टेक है, कोरोना होगा, ठीक है, कोरोना से देखरेख एवं बचाव हेतु बुजुर्गों के लिए किस प्रदेश की पुलिस द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम योजना शुरू की गई है। तो भाई एक संकल्प बुजुर्गों के नाम योजना शुरू है, आपके ऑप्शंस में छतरपुर पुलिस मध्य प्रदेश, फिर भटिंडा पुलिस पंजाब, फिर लखनऊ पुलिस उत्तर प्रदेश या फिर जयपुर पुलिस राजस्थान। तो भाई एक संकल्प बुजुर्गों के नाम जो योजना है छतरपुर पुलिस मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस भारतीय राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनिसेफ के साथ मिलकर लॉकडाउन के दौरान बच्चों को बिजी रखने के लिए मो प्रतिभा ऑनलाइन जो है संस्कृति प्रतियोगिता का आयोजन किया है। तो भाई यूनिसेफ के साथ मिलकर किया है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे ही हो जाता है। तो मो प्रतिभा जो है जो ऑनलाइन संस्कृति प्रतियोगिता कहाँ से किसने स्टार्ट करी है, तो वो भारतीय राज्य है आपका ओडिशा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस भारतीय राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई है। तो भाई किन्हें आत्मनिर्भर बनाना है वनवासियों को, यानी जो वन में निवास करते हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई है और ये किस भारतीय राज्य के द्वारा शुरू की गई है ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई इंदिरा वन मितान योजना जो संबंधित है ये आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित है, वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना स्टार्ट करी गई है, ठीक है,
चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि लॉकडाउन के दौरान छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए गूगल से समझौता करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लॉकडाउन के दौरान छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए गूगल से समझौता करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है। तो आपको बता दें हम कि ये किया है महाराष्ट्र ने, ठीक है, महाराष्ट्र ने गूगल के साथ समझौते किए हैं ताकि वो क्या कर सकते हैं, लॉकडाउन के दौरान जो है छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मानसून की शुरुआत में प्रत्येक वर्ष जो है किस भारतीय राज्य में जो है रज पर्व मनाया जाता है। इसे राजा पर्व भी कहते हैं, कहीं कहीं आपको राजा पर्व के नाम से भी पूछा जा सकता है और कहीं कहीं ये रज पर्व के नाम से ही जो है जाना जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है रज पर्व ही। तो क्या बोले, मानसून की शुरुआत में ये जो है पर्व मनाया जाता है, तो ये किस भारतीय राज्य में अभी हाल ही में मनाया गया है। आपके ऑप्शंस में है केरल, झारखंड, ओडिशा और पंजाब। तो भाई देखिए, रज पर्व जो है ये मानसून की शुरुआत में उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मछली पकड़ने के दौरान समुद्री मछुआरों को दुर्घटना से बचाने हेतु हाल ही में किस भारतीय राज्य में प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस शुरू की गई है। तो भाई आपको पता है कि जब मछुआरे जाते हैं मछली पकड़ने, तो भाई समुद्रों में कभी कभी तूफान आ जाते हैं, बहुत से जो है मछुआरे चोटग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसा देखा जा रहा था कि बहुत सारे मछुआरे को सही समय पर जो है उपचार नहीं मिल पाता था, जिस कारण इनकी डेथ भी हो सक जाती थी, ठीक है। तो भाई राज्य गवर्नमेंट ने इनकी रक्षा के लिए एक नई जो है एम्बुलेंस बनाई है, जिसका नाम है प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस, ठीक है, तो प्रतीक्षा इसका नाम है। तो ये स्टार्ट करिए ताकि उनको सही समय पर उपचार मिल सके। तो भाई प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस जो शुरू की है वो की है केरल ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में प्रथम भारतीय राज्य रहा। तो भाई देखिए क्या होता है कि इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन यानी बहुत ज़्यादा अपनाया है किस भारतीय राज्य ने और काफ़ी अच्छे से ये लोग जुड़े हैं, तो वो कौन सा भारतीय राज्य है ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन में MP, HP, AP या फिर PB, मध्य प्रदेश, आपका हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो भाई देखिए, आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में प्रथम भारतीय राज्य रहा है मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में कचरे से बिजली बनाने हेतु किस भारतीय राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल शुरू की है। तो भाई कचरे से बिजली बनाएंगे, आप लोग अगर गए हैं उत्तराखंड, ठीक है, UK उत्तराखंड अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे स्थान हैं, और मोस्टली मुझे लग रहा है कि जितने भी पहाड़ी एरियाज हैं लोग जाते हैं घूमने, फिर वो क्या करते हैं कुछ भी मतलब खाते पीते हैं, बॉक्स हैं और ग्लास ऐसे हैं और बहुत ऐसी चीज़ें हैं, तो वो पहाड़ियों पर फेंक देते हैं, जिससे की वजह से काफ़ी गंदगियाँ वहाँ पर स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो भाई इसको थोड़ा सा दूर करने के लिए जो कचरे से बिजली बनाने का काम स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि क्या होगा कि उस राज्य को थोड़ा सी क्लीनिंग भी मिल जाएगी, सफाई भी हो जाएगी और उनका काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो वेस्ट टू एनर्जी नामक जो है पहल शुरू की है ये उत्तराखंड ने स्टार्ट करी है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में हरियाणा में आयोजित जो है सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। तो हम आपको बता दें कि भाई पूरा 2020 अब तक हमने कवर कर लिया है इसमें, ठीक है, जो भी स्पेशल करंट अफेयर सब मिल रहे हैं आपको यहाँ पर। तो फिर क्या बोल रहे हैं कि सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन जो है हरियाणा में हुआ, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, आपके ऑप्शन चार हैं, इसमें से कोई एक सही है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने जो है सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एकलू खेलो एकलू पढ़ो योजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एकलू खेलो एकलू पढ़ो योजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शंस में है सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो भाई देखिए त्रिपुरा की ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सुचिनंदम थानुमलयम मंदिर प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला जो है रथ उत्सव किस भारतीय राज्य का प्रमुख पर्व है। भाई रथ उत्सव की बात की जा रही है, बहुत सारे विदेशी सैलानी आते हैं इस उत्सव को देखने के लिए,
बट इस वर्ष जो नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी इस उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है। तो भाई कौन सा मंदिर है? सुचिदानंदम थानुमलयन मंदिर, ठीक है, और इसमें मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष रथ उत्सव। तो ये किस भारतीय राज्य का प्रमुख पर्व है? तो हम आपको बता दें, प्रत्येक वर्ष ये पर्व मनाया जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस भारतीय राज्य के एक सरकारी अस्पताल में करनी बोट नामक एक रोबोट जो है मरीजों के देख रेख के लिए रखा गया था, ठीक है। तो भाई अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो भाई करनी जो है नामक रोबोट जो रखा गया है मरीजों की देख रेख के लिए, तो ये कहाँ रखा गया है? भाई ये केरल में रखा गया है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि तेलिया रुमाल किस भारतीय राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में भौगोलिक टैग प्रदान किया गया है? तो भाई तेलिया रुमाल की बात करी जा रही है, तो ये किस भारतीय राज्य का है? ये रखेगा तेलंगाना का ये रुमाल है, और इसे जो हाल ही में क्या किया गया है, भौगोलिक टैग दिया गया है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मिजो समुदाय का सबसे बड़ा पर्व किस समुदाय का? मिजो समुदाय का सबसे बड़ा पर्व चाप चार कूट पर्व हाल ही में किस भारतीय राज्य में मनाया गया? तो भाई फिर से देखिए, इस पर्व का नाम क्या है? चाप चाट कूट पर्व, ठीक है, मिजो समुदाय का है। तो ये किस भारतीय राज्य में अभी बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है? तो भाई सिंपल सी बात है, मिजोरम में ये मनाया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गैरसैंण नामक स्थान को हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? आपके ऑप्शंस में है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और सिक्किम। तो देखिए गैरसैंण नामक स्थान तो मोस्टली आपसे मैच कर रहा होगा, राजस्थान से ऐसे नाम वहाँ पर होते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है उत्तराखंड ने, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस भारतीय राज्य की नदी जो है सुबनसिरी नदी पर जो है डोपेरिजियो ब्रिज का निर्माण किया गया है, और जो कि जो है 430 फीट लंबा है? तो ये किस भारतीय राज्य में है ये ब्रिज, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई ये आपका जो ब्रिज है ये आपका है असम में, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण गुणवत्ता नियंत्रण लैब हाल ही में किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई है? तो भाई ये लैब किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई, तो आपको बता दें हम, ये स्थापित की है गुजरात के अंदर, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि शहरी और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने हाल ही में किस भारतीय राज्य में एक मार्क्स अनेक जिंदगी नामक योजना शुरू की है? तो भाई एक मार्क्स अनेक जिंदगी नामक योजना शुरू किसने की है? भूपेंद्र सिंह ने की है, शहरी और आवास मंत्री हैं, तो ये किस भारतीय राज्य में शुरू है इन्होंने की है, ये आपसे पूछा रहा है। तो भाई MP में, मध्य प्रदेश में की है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ममता बनर्जी किस भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के दस्तावेजों के स्कैन हेतु सेल्फ स्कैन नामक एक ऐप जारी किया गया है? तो भाई ममता बनर्जी जी को कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं, और इन्होंने ये एक ऐप स्टार्ट करी है सेल्फ स्कैन, ठीक है, दस्तावेजों के जो है स्कैन के लिए, ठीक है। तो भाई ये कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए, क्वेश्चन को पढ़िए क्या है, मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल जो है 18 जून को प्रत्येक वर्ष जो है महान जून विद्रोह मनाया जाता है, और इस वर्ष इसका कौन सा संस्करण था? तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट एक बात याद रखना है कि महान जून विद्रोह कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर के अंदर, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर क्या बोल रहे हैं कि जो 18 जून को मनाया गया है इस वर्ष, उसका ये कौन सा संस्करण था? तो हम आपको बता दें कि ये 2001 में शुरू हुआ था, और इस बार क्या है, ये इसका 19वां संस्करण था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस भारतीय राज्य में उस राज्य के गठन हेतु प्रत्येक वर्ष जो है 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है? तो भाई यहाँ पर आपके चार ऑप्शन हैं, बिहार, ओडिशा, झारखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। 1 अप्रैल 1936, क्या है, 1 अप्रैल
1936 को क्या हुआ था, आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था। और इसी उपलक्ष में प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने हेतु किस भारतीय राज्य में हाल ही में होप नामक एक विशेष पहल शुरू की गई है। ठीक है, तो देखिए किनको रोजगार देने के ये पहल है, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने की पहल है, नाम है होप। तो ये किस भारतीय राज्य में शुरू की गई है, तो मैं आपको बता दें यहाँ पर बात की जा रही है उत्तराखंड यानी यूके की। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस भारतीय राज्य में इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है। तो भाई इंदिरा रसोई योजना किस भारतीय राज्य में शुरू की गई है, ये आपको बताना है। तो भाई हम आपको बता दें कि इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में शुरू की गई है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस भारतीय राज्य में नागरिकों को नल कनेक्शन देने हेतु जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई है। क्या है, नल कनेक्शन देने हेतु ये योजना स्टार्ट की गई है, नाम है जल जीवन योजना। तो ये किस भारतीय राज्य में शुरू की गई है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है। तो भाई ये स्टार्ट की गई है छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एवं विदेशी नागरिकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा इंतजार आपका एक विशेष पहल शुरू की गई है। क्या है पहल, इंतजार आपका है, भाई पर्यटन मंत्रालय ने शुरू करी है, किसे, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और विदेशी नागरिकों को आकर्षित करने के लिए। तो ऐसा करने वाला कौन सा भारतीय राज्य है, तो हम आपको बता दें यहाँ पर बात की जा रही है मध्य प्रदेश की। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मणिपुर मेती समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला प्राचीन जो है पर्व लाई हरा होबा जो है किस भारतीय राज्य में हाल ही में शुरू किया। तो देखिए यहाँ मणिपुर मेती समुदाय लिखा है, तो भाई मणिपुर बिल्कुल ना समझ लीजिएगा क्योंकि ये उत्सव कहीं और मनाया गया है। ठीक है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को ले लिया है कि आप डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ऐसे एग्जाम में जरूर आपको फंसाएंगे। लिखा क्या है, मणिपुरी मेती समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला प्राचीन पर्व है क्या है, लाई हरा ओबा किस भारतीय राज्य में जो हाल ही में शुरू किया गया है। तो भाई ये त्रिपुरा अगरतला में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बिल्कुल मिस्टेक मत करिएगा, मणिपुर मेती समुदाय का जरूर है लेकिन ये त्रिपुरा में शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस वीडियो का, और भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई 18 सितंबर 2020 को कोसी रेल महासेतु का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। तो भाई बताइए किसके द्वारा किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्या नाम है, कोसी रेल महासेतु 18 सितंबर 2020 को, तो याद रखिएगा ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो भाई ये स्टेट लेवल के प्रमुख करंट अफेयर थे, अभी बहुत सारे इसके जो हैं चीज़ें बची हुई हैं वो भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्ज़ाम से पहले पहले आपको हर एक टॉपिक के लिए अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा देने वाले, रेलवे परीक्षा देने वाले, बिहार पुलिस परीक्षा देने, MP पुलिस परीक्षा देने, या किसी भी पुलिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी करंट अफेयर आपके लिए नींव का पत्थर हैं क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो होप आपके लिए वीडियो पसंद आएगी, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।